शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पहले हमसे हमारा सुहाग छीन लिया, फिर हमारी इज्जत। हम भी देखते हैं कि आपका सुहाग आपके साथ कितने दिन टिकता है। आपके और अभय की जिंदगी से हम सारी खुशियां छीन लेंगे। हम दोनों कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी नहीं। हेलो, हमसे अभी मिलो, अभी। हे भगवान, अनजाने में ये क्या हो गया मुझसे। क्या करना है वो सब हम तुम्हें समझा देंगे, बस इतना याद रहे कि एक औरत है, उसकी जिंदगी में इतने तूफान लाने हैं कि वो कभी इससे उभर ना पाए। ये है वो श्रद्धा त्रिपाठी। याद रहे, अब इनकी जिंदगी में नहीं आनी चाहिए खुशियां। रूपक देही, जयंग देही, यशो देही, दिशो देही, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साधिके। खुश रहना मेरी बहन का हक है माता रानी, उसे वो मत छीनिए। उसके मन को शांत रखिए, उसे शक्ति दीजिए ऐसे समाज से लड़ने की और अपनी जिंदगी जीने की। उसे सही रास्ता दिखाइए माता रानी। ये क्या किया तुमने? ऐसे भी हमारे जीवन में क्या कम मुसीबत है कि तुमने हमारा फोन भी तोड़ दिया? गजब है, इसी की खुशियों में दरार देखे को मचल रही तो ये फ्यूचर की झांकी दिखा दिए तुमको। कोई रिश्ता नहीं हमारा आपसे, कुछ नहीं लगती आप हमारी। गौरी पूजा संपन्न हुई, श्रद्धा। हे भगवान, इसे पल्लू में आग कैसे लग गई? मैं पानी लेकर आती हूँ। अभय का हाथ जल गया है आग को बुझाते बुझाते। मैं आइस पैक लेके आती हूँ, हल्दी हल्दी लगा दो, जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटा बहुत ज्यादा चल रहा होगा, कहीं छाले ना हो जाए। श्रद्धा जल्दी आइस पैक लाओ। भगवान, ये क्या अपशगुन हो गया? हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसकी सजा हमें दे दो।
हमारे बच्चे को नहीं, हमारे बच्चे को नहीं। अरे जब से तुम आई हो सिर्फ अपशगुन ही हो रहा है, पूरे घर में मनहूसियत फैल गई। मम्मी बोलने से पहले सोच तो लिया करो, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, अभी ये सब बोलने की क्या जरूरत थी। अभय इस वक्त कुछ मत बोलिए प्लीज। अरे अभय बेटा तुम्हारा हाथ जल गया। अभय आप श्रद्धा एक ही दिन में तुम्हारे साथ कितना कुछ हो गया, तुम इतनी शांत कैसे हो? मैं वहीं था पर कुछ नहीं कर पाया। अच्छा अगर तुम्हें कुछ हो जाता, अगर तुम... कुछ नहीं हुआ मुझे, और अब कुछ भी हो जाए हमें अपने मन को हमेशा शांत रखना है। तुम खुद को भुला के सबका ख्याल रखती और सब तुम्हें ही तकलीफ देने में लगे। मैं मम्मी और कीर्ति के नाटक देख रहा हूँ, दोनों की गलती की सजा। किसी की कोई गलती नहीं है अभय, ना कीर्ति की ना मम्मी जी की। कीर्ति के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। और आप खुद सोचिए ना, दिव्यानी आंटी जी को मैं घर में लेके आई, जायज है कि मम्मी जी इस बात से नाराज तो होंगी। श्रद्धा तुम कैसी बातें कर रही हो, कीर्ति को समझ में नहीं आ रहा तुम अकेले सबसे लड़ रही थी उसके लिए। अभय कीर्ति की हालत तो देखिए, उसके साथ बहुत गलत हुआ है, नहीं परेशान है वो, आप खुद ही बताइए। अगर आप कीर्ति की जगह पर होते तो इतनी जल्दी क्या अपने आप को संभाल पाते? नहीं ना। अभय मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इतनी परेशानी में कीर्ति कोई गलत कदम ना उठा ले। ये सही है या गलत वरुण जी हम नहीं जान, पर हमें ये करना ही होगा। हमने जो खोया है दीदू की वजह से, वो दर्द उन्हें भी तो महसूस होना। पर सबका मुंह बंद कराने के लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। नहीं अभय, कीर्ति के साथ हम इतना गलत होते नहीं देख सकते। अभय पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। अब देवयानी आंटी जी को ही देखिए। वो तो देख ही रहा हूँ मैं, पहले एक मम्मी थी संभालने के लिए, अब दो दो मिल गई है। और ऊपर से तुम तो हो ही ना क्यूट सा अपना दादी अम्मा वाला लेक्चर देने के लिए, है ना? वो श्रद्धा देखो तुम शुरू से मेरी बीवी रही हो, मेरा मतलब है वो अच्छी बात है, पर वो क्या है ना बीवी के चक्कर में ना पूरा परिवार घुस जाता है। तो मैं क्या सोच रहा था कि श्रद्धा दादी एक दिन के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी क्या? अच्छा बीवी से बोर हो गए आप, गर्लफ्रेंड चाहिए आपको? थोड़ा सा बोर हो गया हूँ। वो क्या है ना बीवी से घूमने की बात करो ना तो सुनने को पता क्या मिलता है, पापा जी मम्मी जी बुआ जी ये जी वो जी। और गर्लफ्रेंड से बोलूंगा ना घूमने के लिए तो सुनने को मिलेगा अब है अब है अब है। इस वक्त बाहर घूमने जाना है आपको? हाँ ना श्रद्धा बहुत दिन हो गए बाहर गए, चलते हैं ना। अबे हम कीर्ति को भी साथ में लेके चलें क्या? अरे यार प्लीज। अच्छा ठीक है ले आओ अपनी प्यारी बहन को भी साथ में, मैं तब तक मूवी की टिकट लेकर आता हूँ। अभय वैसे आप ना सबसे अच्छे पति, मेरा मतलब है बॉयफ्रेंड है। अच्छा ठीक है ठीक है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।